हेलो नमस्कार दोस्तों, फटाफट से जानेंगे देश के सभी राज्यों का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, कहां पर बारिश होने वाली है और कहां पर आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग ने भारी अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली NCR यूपी समेत हरियाणा समेत जो है देश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश की वजह से मौसम सुहावना बना हुआ है। इस वजह से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली हुई है, लेकिन दिल्ली हरियाणा समेत कई जगहों पर जो है बीते दिन बारिश भी दर्ज की गई है, जिसके चलते तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर की वजह से ही बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली में बारिश होने के आसार है। राष्ट्रीय राजधानी का आज अधिकतम तापमान भी 38.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार मौसम विभाग के द्वारा जताए गए हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और इससे अधिक भी पहुंच सकता है। हालांकि यूपी में अभी भी हीटवेव का कहर जारी है, साथ ही उत्तर और पूर्वी भारत का जो है अधिकांश हिस्सा अगले 5 दिनों तक लू की चपेट में रहने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। इसके अलावा दोस्तों, मौसम विभाग ने किन राज्यों में अलर्ट जारी किया है, यानी कि कहां पर बारिश होगी, कहां पर आंधी तूफान आएगा और कहां पर लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, एक एक करके सभी राज्यों का मौसम का हाल विस्तार रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कहां पर क्या कुछ होगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो लाल वाला बटन है इसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास वाला बेल आइकन है इसको भी जरूर से दबा दीजिएगा। और यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने राज्य, जिले, क्षेत्र या अपने गाँव का नाम, आप जहाँ कहीं पर भी रहते हैं, हमें कमेंट करके सही सही से जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित, आपके गांव से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। तो फटाफट से जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि गुजरात, राजस्थान, असम और मेघालय में बादल गरजने के साथ ही तेज बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। कोंकण तट, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी गरज चमक के साथ ही हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश होने के आसार है, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी छिटपुट हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 10 जिलों में तेज आंधी के साथ ही बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के साथ ही राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में तूफानी चक्रवात की एंट्री भी हो चुकी है। वहीं 3 दिन तक उत्तर प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक जल्दी होने वाली है। इससे पहले ही प्रयागराज, कानपुर, बनारस, आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, झांसी में बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। वहीं 40 की रफ्तार से आंधी भी चलने की संभावना है। तापमान भी 40 के पार पहुंच सकता है। गर्मी फिलहाल बहुत ज्यादा बनी हुई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के भी कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दी है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज जोधपुर, उदयपुर और अजमेर में भी जो है बारिश या बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं आज सुबह से ही उदयपुर में आंधी तूफान के साथ ही तेज बारिश हो रही है। बीकानेर और जयपुर में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने आज बाड़मेर, जालौर, पाली और सिरोही जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगर दोस्तों आप भी इन जिलों में से कहीं पर भी रहते हैं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि भी वहाँ का मौसम जो है कैसा है, बारिश वाला है, आंधी तूफान वाला है, यहाँ आप भी वहाँ पर जो है लू पड़ती हुई नजर आ रही है, कमेंट करके सही सही से जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग ने अजमेर में भी जो है अगले 2 दिनों के दौरान बहुत ही भारी बारिश होने की संभावना जता दी है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर गुजरात में जो है कल तक रहने की संभावना है। वहीं कल सुबह से लहरों की ऊंचाई भी कम होने लगेगी। पूर्वोत्तर भारत, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आज और कल दोनों दिन भारी बारिश होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी जो है हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। इसी के साथ मौसम विभाग ने बताया है कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में लोगों को अभी गर्मी से राहत मिलने के फिलहाल आसार नहीं है। तपती गर्मी और लू को लेकर रेड अलर्ट के अलावा पटना, नालंदा सहित कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। वहीं गया में कल तक के लिए भीषण गर्मी को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी पटना के साथ साथ नालंदा, गया और शेखपुरा जिलों में भी आज भी जो है भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। यहाँ दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी और उमस परेशान करने वाली है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पटना, औरंगाबाद और नवादा सहित तकरीबन 14 जिलों में भीषण लू की स्थिति है और गया और पूर्णिया सहित 9 क्षेत्रों में लू के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य में कल अधिकतम तापमान की स्थिति को देख लिया जाए तो शेखपुरा सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद खगड़िया में 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना में भी अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सप्ताह के दौरान राज्य के कई जगहों पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य या सामान्य से अधिक ही रहने की उम्मीद जताई गई है। उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में पारा 36 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस, उत्तर पश्चिम में 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और अन्य क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। हालांकि उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व क्षेत्रों के लिए आशा की किरण एक नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज जो है
रहे, इन इलाकों में गरज चमक के साथ ही छींटे पड़ने की भी संभावना है। वहीं राज्य में अगले चार दिनों तक सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इस सप्ताह उत्तर पूर्वी बिहार और कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य के बाकी हिस्सों के एक दो इलाकों में जो है हल्की बारिश भी हो सकती है। इसी के साथ मौसम विभाग ने बताया है कि मध्य प्रदेश में भी जो है बिपरजोय तूफान का प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगले दो दिनों के दौरान ग्वालियर चंबल में भी भारी बरसात और हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होने की आशंका है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश में अभी भी प्री मानसून की हलचल जारी रहेगी और कुछ क्षेत्रों में ही मामूली वर्षा होती रहेगी। वहीं अधिकांश हिस्सों में जो है दिन और रात के टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। अगले 24 घंटों के बीच जबलपुर समेत छिंदवाड़ा व आसपास के जिलों में तेज हवा और गरज चमक के साथ ही कहीं कहीं पर बौछारें भी गिर सकती है। वहीं मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक राजस्थान में तूफान और पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले दो दिनों के दौरान वर्षा और अगले चार दिनों तक जो है तेज बरसात लेने को लेकर जो है आशंका है। वहीं ग्वालियर चंबल में भी अगले दो दिनों तक तेज हवा के साथ ही वर्षा हो सकती है, जबकि अगले दो से तीन दिनों तक पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में कहीं कहीं पर वर्षा दर्ज किए जाने की संभावना है। वहीं ग्वालियर दतिया भिंड मुरैना दतिया शिवपुरी सोनपुर कला में भारी बरसात होने की संभावना है। अगले दो दिनों तक जो है जबलपुर समेत संभाग के कई जिलों में तेज हवा और बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल में आज और कल जो है मौसम स्पष्ट रहेगा, लेकिन अगले दो दिनों के दौरान जो है गरज चमक के साथ ही मध्यम से तेज बरसात होने के भी संकेत है। इससे दिन और रात के टेम्परेचर में भी कमी होने की आशंका मिलने वाली है। वहीं दोस्तों मौसम विभाग ने बताया है कि अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान जो है पूर्वोत्तर भारत गुजरात के कच्छ क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर बहुत ही ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तटीय कर्नाटक और केरल में भी हल्के से लेकर मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण पूर्व राजस्थान गुजरात क्षेत्र कोंकण और गोवा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी हल्के से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि तमिलनाडु जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल ओडिशा तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। इसी के साथ मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में भी हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चलने की पूरी संभावना है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए कि बीते 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत का मौसम कैसा रहा, तो पिछले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ सहित उत्तर पूर्व भारत सिक्किम में जो है मध्यम से लेकर भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं गुजरात क्षेत्र केरल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी तट पर एक या दो स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तरी पंजाब राजस्थान कोंकण और गोवा तटीय कर्नाटक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश और गंगे पश्चिम बंगाल में भी आसपास के इलाकों सहित कुछ स्थानों पर जो है हल्की से लेकर मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है बीते 24 घंटों के दौरान। तो दोस्तों ये था संपूर्ण भारत का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का पूर्व अनुमान। अभी आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है और आपके क्षेत्र जो है वो हम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित आपके गाँव से संबंधित मौसम की सही जानकारी सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर से कर देवे, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेवे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।